आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। देखिए ये सत्र कहा जाए कि संसदीय परंपरा के तहत संवैधानिक बाध्यता के तहत बहुत सीमित समय में थोड़ा सा आगे जाएगा, आगे जाइए, इसको करना पड़ा। हमारी भी इच्छा थी कि कुछ और चले, बहुत लोगों की बातें आई, बहुत लोगों की बातें नहीं आई, फिर भी मोबाइल सदन के माध्यम से राज्य किस जगह खड़ा है और किस रास्ते चल रहा है या चलने की तैयारी कर रहा है, किन किन बाधाओं से राज्य को जूझना है, किन किन चुनौतियों को पार करना है, वो सभी चीज़ों की झलक दिखी होगी। लेकिन मूल विषय ये आता है कि मौजूदा समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय, जिस तरीके से देश को अग्रणी देश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में GST लागू किया और हम लोगों ने भी केंद्र पर विश्वास जताते हुए कि देश आगे बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी केंद्र को समर्पित। और जिस तरीके से आज देश की अर्थव्यवस्था का आलम है, जिस तरीके से किसानों का आलम है, मजदूरों का आलम है, और जिस तरीके से आर्टिकल 123 का लगातार कहा जाए राजनीतिक भाषा में दुरुपयोग हुआ है, चाहे वो शिक्षा नीति में हो, चाहे वो किसान कृषि नीति में हो, चाहे वो माइनिंग को लेकर हो, और अभी तो पता चल रहा है श्रम कानून में भी चर्चा हो रही है, अनेकों ऐसी चीजें। आज कहीं ना कहीं हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए आने वाला समय में कई दिशा से चुनौती आई, इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। और अभी हम लोगों ने पुरजोर से कृषि विभाग में फोकस दिया हुआ है, और किसका मोबाइल बजा? हमारे अधिकतर जो लोग राज्य में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनको हम कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसका कार्य योजना तैयार हो रहा है, वो सभी अंतिम चरण पर है। आज सत्र का अंतिम दिन था, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के पास बहुत सारे विषय थे और विपक्ष मुद्दा विहीन दिखा। सर, सरना कोर्ट को लेके जो आपने सर डिसीजन लिया है कि सेंट्रल में भेजने का आपने बोला हाउस में कि उसको अगले सत्र से पहले ही सरकार कोशिश करेगी कि हम भेजें, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। सरना धर्म कोर्ट की मांग राज्य के बहुत बड़े वर्गों का डिमांड रहा है और इससे हम भी सहमत हैं,
और इसको अविलंब कैसे ये बांध पूरा हो उस पर हम आगे बढ़ें। आज कोरोना पर विशेष चर्चा थी क्या? अब कोरोना के विषय पर तो आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ इस कोरोना की जंग को जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ा है, जिस तरीके से प्रवासियों के लिए हम लोगों ने काम किया है, जिस तरीके से मजदूरों के लिए कार्य योजना बनाई, इन संक्रमण के दौर में मुझे लगता है ये गलती कम नहीं। सर, 18,000 जो ये नियोजित शिक्षक है, उस पर क्या सरकार आगे कुछ ये कर रही है कि उसमें कोर्ट में सरकार जाएगी या फिर उस पर सरकार? देखते हैं, अभी तो अखबार में ही ये बात आई है, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या जा सकता है। इन कुल मिलाकर के इस विषय पर तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे तत्कालिक सरकार ने जिस तरीके से राज्य के हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी थी, आज जिस तरीके से चीज़ें सामने उभर उभर के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार किसी हिडन एजेंडा के तहत काम पर थी और उसका परिणाम है जब लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं और सत्ता में रहकर, तो उसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। और आज उस समस्या आज हमारे सामने है, आज उसका भी कोई ना कोई हम लोग रास्ता है। सर, अभी बाजार